आजतक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। आपको बता दें कि बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी जिम्मेदारी दी। आपको बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक अब नरेंद्र सिंह तोमर बना दिए गए। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, और बंसल न्यूज ने इस पर चर्चा भी की थी और बंसल न्यूज की खबर पर अब मुहर भी लग गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो काफी अनुभवी हैं और चर्चा भी चल रही थी और बंसल न्यूज की खबर पर मुहर भी अब लग गई है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है और यही कारण एक बड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व में लिया है कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव संचालन प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। हमने देखा कि 2018 के पहले भी उनको कई बार जिम्मेदारियां दी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने दो बार सरकार बन पाई, उसके बाद पिछले चुनाव में भी जिम्मेदारी थी और काफी करीबी उन्हें दिल्ली का माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं और दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहते भी बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा था और यही कारण है कि बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी गई है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश दिल्ली के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे चुनाव प्रभारी की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात हो, अश्विनी वैष्णव, वो भोपाल पहुंच रहे हैं और अब जो है पूरी जमावट चुनाव की होगी, तो बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर की और माना जा रहा है कि चुनाव तक उनका मुख्यालय भी भोपाल रह सकता है। ऋतु, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक उनको बनाया गया है, तो चुनाव तक अब वो ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कमान उनको सौंपी है। अगली खबर भी सियासी है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव आज भोपाल पहुंच रहे हैं। दोनों नेता 17 जुलाई को दोपहर तक भोपाल में रहेंगे। दोनों नेताओं के साथ प्रदेश चुनाव प्रभारी और अन्य नेता बैठकर विधानसभा चुनाव को लेकर गठित होने वाली समितियों के पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप देंगे। भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव तीनों समितियों के पदाधिकारियों के नाम तय करने के साथ विधायकों के साथ भी वन टू वन चर्चा करने वाले हैं। इस संवाद के बाद ही टिकट की रूपरेखा अब तय की जाएगी। तो देखिए, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, 3 दिन तक ये रहेंगे। अब मिशन 2023 की तैयारी को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो हमने देखा था हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंचे थे और उसके बाद से बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। चलिए बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से अपडेट करवा दें। बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक अब नरेंद्र सिंह तोमर बना दिए गए। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो इसके पहले भी उनको जब जब जिम्मेदारी सौंपी गई है बखूबी निभाया है और यही एक वजह है कि चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक अब उनको बना दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, बंसल न्यूज ने इस खबर पर चर्चा भी की थी और बंसल न्यूज की खबर पर अब मुहर भी लगी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बड़ी जिम्मेदारी भी अब उनको सौंप दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो इसके पहले भी जब जब उनको जिम्मेदारियां मिली है बड़े बखूबी तरीके से निभाया है और अब एक बार फिर से चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बना दिए गए हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर के पास बहुत अच्छा अनुभव है। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी उस दौरान जरूर वो नहीं थे अध्यक्ष, लेकिन उसके बाद जब भी शिवराज जी बने हैं तो उस दौर में लगातार उन्होंने अध्यक्षी निभाई है और या फिर बाहर से इस तरह का काम किया है कि कहीं ना कहीं चुनाव के मैनेजमेंट में वो शामिल रहे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार बंसल एक महीने से ये कह रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जो चुनाव प्रबंध कमेटी या समिति की हो सकती है। आखिरकार उस पर मोहर लगी है। नरेंद्र तोमर जो कि कृषि कल्याण मंत्री है केंद्रीय केंद्र में, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। लंबा अनुभव है मध्य प्रदेश का, एक एक नेताओं से वो वाकिफ है।
और बीते कुछ दिनों से तो लगातार सक्रिय अमित शाह के जाने के बाद जिस दिन अमित शाह यहाँ पहुंचे थे तो बैठकों में लगातार बात उनकी ही होती रही। अमित शाह ये भीतर जब बैठकें चल रहे थे ये कहते रहे थे कि नरेन जी ये भी देखिए, नरेन जी ये भी देखिए, तो समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनको एक दो चार दिन में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव बनाए गए, वो अब से थोड़ी देर बाद करीब 12:30 बजे भोपाल पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पत्र जारी कर दिया जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और चुनाव प्रबंध समिति के चेयरमैन बनाए गए। जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी नरेन्द्र सिंह तोमर के पास। तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2023 को लेकर अपनी जो टीम है वो तैयार कर चुकी है और नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ने वाला है चुनाव प्रबंध को लेकर। बड़ी खबर इस पर। बिल्कुल मनोज जी, ये बड़ी खबर है। एक बार दर्शकों को हम फिर से अपडेट करवा दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव प्रबंधन समिति के, वो संयोजक बनाया गया। तो जैसा कि मनोज जी भी बता रहे थे कि हाल ही में जब बैठक हुई थी, जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उस बैठक में मौजूद थे, शाह के साथ कुछ घंटे तक 13 दिग्गजों के साथ ये बैठक हुई थी जिसमें बार बार उनका जिक्र भी किया जा रहा था, तभी कयास लगाया जा रहा था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज जी, जैसा कि आप कह रहे थे अनुभव की हम बात करें, और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आता है तो अनुभवी की तरफ जरूर देखा जाता है, और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो काफी अनुभव उनको है राजनीति का भी, और यही एक वजह है कि शायद उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी भी गई है। मनोज जी देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पास लंबा अनुभव तो है ही, लेकिन कहा जाता है कि भारत के 9 रत्न है, इसी तरह मोदी के जो 9 रत्न है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। जब भी कोई बड़ा काम, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, असम की बात हो, तो आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप कर पहुंचाया गया, और उसमें कहीं ना कहीं जो सफलता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को उस पर वो खरे भी उतरे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो प्रबंधन के माहिर हैं नरेंद्र तोमर, और लगातार लोगों के बीच में कभी उनकी छवि के बारे में कैसी छवि रही, साफ सुथरी छवि रही, इसीलिए उनको मौका दिया गया। पिछली बार भी चुनाव में भले वो कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आए थे, और पहले तो हमने देखा 2 चुनाव में उनको चुनाव के एन वक्त पर अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अब एक अलग ट्यूनिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह तोमर सीनियर भी है, तो उनके साथ मिलने से ये भी होगा कि सभी लोग मिलकर आगे काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, मोदी जी की बात करें, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, वो चाहते हैं कि एकजुटता के साथ सभी लोग चुनाव में नजर आए। यानी साफ है कि नरेंद्र सिंह तोमर का काम, उनका अनुभव और मध्य प्रदेश में खासी पैठ रखने वाला चंबल ग्वालियर इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल ग्वालियर से ही आते हैं, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। थोड़ी देर में वो कल, वैसे तो कल रात को यहाँ पहुँच गए थे, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंचने वाले हैं, और आज जो बैठक होने वाली है उसमें विधिवत चीजें भी देखने को मिलेगी। अब बीजेपी क्या करने वाली, संकल्प, जो जीत की संकल्प अभियान चलाना जाना है वो कब निकलने वाली यात्रा, उसके अलावा बाकी जो यात्रा है, बाकी जो प्रबंध है, यानी तमाम तरह के प्रबंध की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, और बीजेपी 2023 को लेकर एकदम तैयार। बिल्कुल एकदम तैयार बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है, लगातार मैराथन बैठकें भी हो रही है, और एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, जैसा कि मनोज भी बता रहे थे, एक लंबा अनुभव उनका राजनीति में रहा है, और जब जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है तब तक उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया भी है, और देखिए सभी को साथ लेकर वो चलेंगे। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी देखिए अब रणनीति बिल्कुल तैयार कर रही है, चुनाव को लेकर कमर कस ली है बीजेपी ने, हाल ही में बैठकें भी हुई थी, और चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की बात की जाए उनका भी दौरा है, और अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया गया है। तो मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां पर वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।